ये मैंने तोड़ दिया ताकि निकालने के लिए आसान हो जाए। हाय एवरीवन, डिमा एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो जो नया है मेरे चैनल पे, वेलकम टू माय चैनल। और अभी आप देख सकते हैं मेरा पूरा घर साफ़ हो चुका है, और हाँ ये बेड भी पूरा साफ हो चुका था, लेकिन अभी राज यहाँ पे बैठ के खेलने लगा। और अभी राज जब बच्चे साथ में हो ना तो कुछ भी काम सही मतलब जल्दी से नहीं होता है, उसका डबल टाइम लग जाता है। तो अभी राज अभी अपने दादी के साथ में, देखो क्या काम कर रहा है अभिराज। आनी टेबल के ऊपर बैठा हुआ है। मम्मा बज बज तू मन गन नसना, तू मन गन मम्मा, मम्मा डूम अभी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डूम। अभी का यहाँ पे गला में क्या हुआ, कुछ काटा है क्या? अभी ना नहीं लगे तो मामा ओडंग डांग जी जी का जी डूम मन गन बाबा अभी प्लीज ये ले दे दे मामिया खामानी मावने दे बेमुली से बाबा बेमुली से। सो हेलो एवरीवन, और डर मत जाना मेरा ये लुक देख के, क्योंकि जस्ट अभी मैं नहा के आई हूँ, और नहाने के बाद अभी मैं जा रही हूँ पूजा का प्रिपरेशन करने के लिए। और आज जैसे कि 31 अगस्त है, और आप लोग सबको तो मालूम है कि आज गणेश पूजा है। सो उसी की वजह से मैं घर में थोड़ा पूजा करने जा रही हूँ। और हम लोग के यहाँ पे करंट नहीं है, एक्चुअली करंट नहीं होने से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मेरा जो पूजा घर है वो ऊपर में है, और ऊपर में पानी ले जाना मतलब साफ़ करने के लिए पानी ऊपर ले जाना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और हम लोग का यहाँ पे नीचे में टाइल्स वगैरह है, तो टाइल्स में स्लिप हो जाना, पानी को ऊपर ले जाना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। सो इसकी वजह से मैं थोड़ा वेट कर रही थी कि अगर लाइट आ जाए तो हम मेरा काम आसान हो जाएगा, लेकिन नहीं, भगवान शायद से मेरा परीक्षा लेना चाहते हैं। सो उसकी वजह से अभी मैं लाइट को नहीं मतलब मैं अभी वेट नहीं करूँगी लाइट को, मैं अपना काम करने जा रही हूँ। और अभी बारिश भी हो रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, अभी बारिश भी हो रहा है और ऊपर में छत भी नहीं है, पता नहीं कैसे होगा मेरा पूजा। तो देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो अभी बारिश हो रहा है। और एक और बात, हाँ मैं इतनी मोटी होती जा रही हूँ कि मुझे अपना ब्लाउज फिट ही नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये भी मम्मी का ब्लाउज है, मम्मी का पुराना का ब्लाउज, जैसे कि जब मम्मी साड़ी पहनती थी तब का ब्लाउज है वो, ये ब्लाउज मुझे पहनना पड़ रहा है। मतलब है लेकिन इतना सारा कलेक्शन नहीं है कि मैं उसे चेंज करके पहनती रहूँ, बस एक दो रखा है, क्योंकि मैंने ब्लाउज खरीदना ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरा बॉडी और बढ़ेगा या कम होगा। सो इसकी वजह से मैंने ब्लाउज खरीदना ही छोड़ दिया, जो है मैं उसी को पहनूंगी। सो ठीक है, तो चलते अभी मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या तैयारी कर रही हूँ। सो यहाँ पे सारा पूजा का सामान रखा हुआ है, मुझे अभी प्रसाद धोना है। अभी तक मैंने प्रसाद नहीं धोया, लेकिन सब कुछ मतलब आधा तो बहुत रेडी है। और अभी मुझे ये बर्तन पूजा का जो थाली वगैरह है वो थोड़ा जाके वॉश करना है, क्योंकि वॉश करके ऑलरेडी रखा हुआ है रूम में। सो ये वॉश करने के लिए मुझे पड़ेगा नीचे। सो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर नीचे पर ला के मैंने बर्तन वगैरह धोया, क्योंकि यहाँ पे पाइप है। और फिर अभी मुझे ये बाल्टी भर के पानी ऊपर ले जाना पड़ेगा, देखते हैं कर पाती हूँ कि नहीं। थोड़ा सा पानी वहाँ पे डाल देती हूँ, अब देखते हैं ये दो बाल्टी मैं कैसे ले जाती हूँ ऊपर, उठाना तो पड़ेगा। ये वाला थोड़ा हल्का है, मंजी को लाइट ले फर्स्ट फ्लोर तक लेके आ गई, अब देखते हैं। और एक और फ्लोर चढ़ना है मुझे, लांगशे भाई मुंशी बालसिंह को नहीं लाभ दम छे। सो मैंने इनसे हेल्प मांग लिया, क्योंकि मुझसे अकेला नहीं ले जाया जा रहा था। तो अभी ऊपर ले जाती हूँ, या अगर यहाँ पे एक बार गिर गया ना तो पूरा छील जाता है स्किन, क्योंकि ऐसा वाला जो ऐसा प्लेन नहीं होने से पूरा छिल जाता है। सो ये रहा मेरा मंदिर, एक्चुअली पाइप भी है और टैप भी है, लेकिन दोनों अगर करंट होने से ही होता है, लाइट नहीं होने से नहीं होता है पानी, क्योंकि हम लोग का जो टंकी है
मैं बहुत थक गई क्योंकि हमारा जो टैंकी है वो यहाँ पे है, सो इसकी वजह से अगर मशीन ऑन होगा, मोटर, जैसे पानी का मोटर ऑन होने से ये जो पाइप है ये चलता है, और ये टैप भी क्योंकि ऊपर होना चाहिए ऐसा समथिंग बोला। सो अभी मैं इसको पूरा थोड़ा साफ कर देती हूँ। बहुत सारा पानी एकदम सही फुल, ये फुल के मतलब ये पूरा भर के एकदम सही लिया मैंने लोटा, वरना वो ज़्यादा हो जाता तो गिर जाता। इसको ऐसे करके मारने से ना शायद से बहुत लोगों को पता ही होगा, एक्चुअली मेरा कैमरा स्टैंड नहीं मिल रहा है इसलिए मैं यहाँ पे नीचे पे रख के बात करी आप लोग से, और ये यहाँ पे मतलब सुखाने के लिए रखा है कपड़ा। सो ऐसे करके अगर थोड़ा हर जगह पे मारे ना तो क्या होता है, जो नारियल है ना अगर अब हम उसको ये बीच वाला निकालते हैं ना, बीच वाला निकालने के समय बहुत आसान से इजीली निकल जाता है, तो इसलिए हर जगह ऐसे थोड़ा थोड़ा मारना पड़ता है। ये मैंने तोड़ दिया ताकि निकालने के लिए आसान हो जाए। हमारे गन्नू भगवान के लिए ये सबसे बड़ा वाला, ये वाला मैं नहीं काटूंगी, बाद में मैं ये काटूंगी, मतलब ऐसे ही चराऊंगी मैं ये वाला। सो अभी मैं इसको पहले धो के काट लेती हूँ। अभी करंट आ गया जब मैंने पूरा धो दिया है, ओके कोई नहीं चलता है। सो अभी मैं इसको ये वाला एक बड़ा सा गमला लेके जो सब प्रसाद थी मैं वो यहीं पर काटूँगी। देखो अभी बहुत आसान से निकल चुका है ना, ऐसे बड़े वाले में ऐसे काट काट के निकालना बहुत प्रॉब्लम होता है। गियो रोड डट हंगे ना बा, ओके सो फाइनली सब रेडी हो चुका है, प्रसाद सब थाली रेडी हो चुका है। ये बाबा गणेश का थाली है, और ये हमारी ये माँ विश्वहरी की थाली है, और ये है हमारे बाठू के लिए, और ये है हमारे गंगा माँ के लिए। अच्छा मैं वो देना भूल गया, और ये दीपक मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लेट में उठा के लेके जाऊँगी क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। सो यहाँ पे मैंने फूल भी ले लिया है, अब मुझे ऊपर में भी थोड़ा सजाना है, सो इसको एक एक करके लेके जाते हैं। अभी राज भी सो चुका है, बहुत सुबह में उठा था इसलिए अभी उसको नींद आ गया, अभी वो सो चुका है। अभी खत्म हो गया, और पता है पूजा करते करते मेरा यहाँ पे सिंदूर, यहाँ पे सिंदूर, और पता नहीं कहाँ कहाँ पे सिंदूर लगा है, पूरा सिंदूर लगा, इसलिए मैं डरती हूँ। मतलब वाइट दुखना, और ऊपर से वाइट दुखना पहना है, वाइट दुखना में भी पूरा लग चुका है। मतलब पता नहीं, मैं साफ़ करती हूँ, मैं कपड़ा भी लेती हूँ, कपड़ा लेके साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी लग जाता है। बट कोई नहीं, पूजा में बस आज एक ही बार लगा है, इट्स ओके। और पता है दुर्गा पूजा में तो लोग सिंदूर वगैरह लगाते ना, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और वैसे भी आज का जो पूजा है वो मेरा सबसे फेवरेट भगवान का पूजा था, क्योंकि गणेश जी मेरे सबसे फेवरेट भगवान है। मैं पता नहीं क्यों,
मतलब बचपन में जब उन लोग का उनका गणेश जी भगवान के जब हम लोग कार्टून्स वगैरह देखते तब से गणेश भगवान मेरे सबसे फेवरेट भगवान है। बस पूजा खत्म हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका पूजा करके। और मतलब एरिया एरिया में वो लोग भगवान गणेश जी को लाते हैं, भगवान गणेश जी की मूर्ति जो लगा के पूजा करते हैं। मैं वहाँ पे जाऊँगी लेकिन पता नहीं कब तक जा पाऊँगी क्योंकि जाने के लिए कोई भी साथ में नहीं है। लेकिन ट्राई करती हूँ कि मैं मम्मी के साथ जाऊँ या फिर माँ के साथ, देखते हैं किसके साथ जाना होता है, या फिर मैं हस्बैंड को ही बोल दूँगी कि चलो अभी और मुझे लेके जाओ बोल के। सो देखते हैं कि क्या होता है। और अभी मज़े से सो रहे हैं। और अभी आज मैंने व्रत नहीं रखा है, आज मैं बस वेज ही खाऊंगी, मतलब नॉन वेज नहीं खाऊंगी, सिर्फ वेज खाऊंगी। आज वैसे वेनसडे है और फिर कल तो वैसे भी वेज है, सो मैंने इसलिए भिंडी और भिंडी फ्राई करने के लिए कहा और दाली दाल दाली बोल दी दाल बना दिया है। सो थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं खाना खा लूँगी। और देखते हैं आज की रूटीन क्या होती है, मैं आज ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर पाती हूँ कि नहीं, मैं देखती हूँ। तो ठीक है, आपसे बाद में मिलती हूँ। और आई होप जैसे कि मेरा भी गणेश पूजा बहुत अच्छे से गया, वैसे ही आप लोग का भी पूजा बहुत अच्छे से जाए। और मन में जो भी मतलब उनको जो कहना चाहती थी वो सब कह डाला, क्योंकि घर में अगर मतलब हाँ घर में पूजा करने से ऐसा होता है कि पूरा जो मन में जो भी आप बोलना चाहते हो वो सब बोल सकते हो। बस अब वहाँ पे जहाँ पे गणेश जी का मूर्ति लाते हैं ना एरिया पे, वहाँ पे जाके बस आप थोड़ा सा बहुत पूजा कर दीजिए तभी हो जाएगा। वहाँ पे इतना भीड़ होता है तो वहाँ पे मन की जो बात है वो मैं कह ही नहीं पाती, और पता है ऊपर से उल्टा फुल्टा बोल देती हूँ मैं। और सो ये जो धुआं धानी है वो दूसरा रूम में लेके जाती हूँ, वरना यहाँ पे पूरा धुआं धुआं हो जाएगा। है जो प्रसाद जो है वो मैं थोड़ी देर बाद उठा लूँगी, वरना ना बारिश की वजह से प्रसाद सब खराब हो जाएगा। सो बस थोड़ी देर बाद आधा घंटा रहने देती हूँ, फिर उसके बाद मैं उठा लूँगी। अच्छा तो अभी 1 बजने वाला है, 1 बजने के लिए सिर्फ 5 मिनट बाकी है। और मैंने अपना प्रसाद निकाल दिया, आधा निकाल दिया और आधा थोड़ा सा वहाँ पे रख दिया है मैंने। और क्योंकि जल्दी निकाला मैंने, वरना बारिश की वजह से ना सब प्रसाद खराब हो जाते हैं इसलिए। सो अभी मैं थोड़ा सा ये प्रसाद खा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं खाना खा लेती हूँ। और हाँ एक और बात, जब से मैंने कार दीदी को हिंदी व्लॉगिंग करूँगी और जब से मैंने हिंदी व्लॉग डाला है, दीदी बहुत खुशी है शायद से। दीदी ने कमेंट भी किया है ना दीदी? हाय एवरीवन, डमा बेलेलो बेलेलो कोकोटे हाय हाय एवरीवन अबू डो अच्छा। सो अभी ना अभी शाम हो चुका है अभी, और अभी 1 बजे वही करीब 2 बजे या 3 बजे मेरे सिस्टर लोग आए थे और उन लोग को मैंने बुलाया था ऐसे ही चाय पीने के लिए और कुछ गपशप करने के लिए। सो वो लोग अभी जा चुके हैं और मैंने सोचा था कि मैं जाके पूजा करूँगी लेकिन आज नहीं हो पाएगा, और आज मैं जिम भी नहीं जा रही हूँ। सो आज फुल टाइम मैं अभिराज के साथ हूँ, है ना अभी? क्या हुआ अभी, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? हाय अभिराज का हेयर कट करना है हम लोगों को, है ना अभी? आपका हेयर कट करना है हमें। उसे खुद को दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। अभी को हेयर कट करना है ना, अभी का हेयर चूल बहुत लंबा हो चुका है।